आज जब पूरा देश महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहा था, उसी समय लखनऊ में एक महिला ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी फिर हत्या कर दी। बापू की पुण्यतिथि को शौर्य दिवस में तब्दील करने वाली ये महिला हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे है और यह पूरा घटनाक्रम है अलीगढ़ का। देखा आपने, यह सारा वाक्या अलीगढ़ में हुआ, जहां हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने गांधी जी की हत्या का रिक्रिएशन करते हुए उनकी तस्वीर पर नकली बंदूक से गोली मारी और फिर गांधी का बहता खून भी दिखाया। इतना ही नहीं, इसके बाद गौडसे अमर रहे के नारे लगाते हुए खुशी मनाई और मिठाइयां भी बांटी गई। यह सब उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। हिंदू महासभा ने इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया है। इस घटना की कांग्रेस भर्त्सना करते हुए कार्रवाई की मांग कर रही है, तो भाजपा ने भी इसे निंदनीय कदम बताया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई हमेशा से विचारधारा की लड़ाई रही है। महात्मा गांधी जी की हत्या एक विचारधारा के लोगों ने करी और उस विचारधारा के परिणाम बड़े बुरे होते हैं। हमारी लड़ाई शुरू से विचारधारा पे थी, जिस विचारधारा से हम लड़ रहे थे मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से, उसी विचारधारा से कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही थी। ये बहुत अफसोस की बात है कि जिन्होंने देश को आज़ाद करा, जो हमारे बापू महात्मा गांधी जी, कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने इतनी ताकत दी कि उसने देश को आज़ाद कराया, उनकी प्रतिमा के ऊपर, उनके फ़ोटो के ऊपर महासभा के कार्यकर्ता अलीगढ़ में गोली चलाते हैं, गोड से जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। यही बात हम सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो उनको संरक्षण देती है, जो उनका विचारधारा से अपने आप को मिलान करती है, कि उसका क्या कहना है इसके ऊपर। बहुत निंदनीय है, सख्त से सख्त कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी को करनी चाहिए, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, उन्होंने गोडसे जी पे माला पहनाई, मिठाई बांटी, ये उनका अपना निजी मामला है, पर महात्मा गांधी के ऊपर गोली उन्हें नहीं चलाना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे। जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे। आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट।